इसकी बैक साइड पे वाकई में बर्फ जम रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन पे हैवी किस्म की गेमिंग करते हैं, इस तरह की एप्लीकेशन यूज करते हैं, फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हैवी किस्म के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, और यकीनन इस गर्मी में तो आप लोगों का सेलफोन यकीनन हीट अप होता होगा, तो उसको कूल करने के लिए ये मेमो ब्रांड का मैग्नेटिक एयर कूलर नहीं है, ये बल्कि आइस मशीन है। इसका मॉडल है CX07। इसकी प्राइस हमें कितने की पड़ जाती है, ऑनलाइन कितने की है, और फिजिकली अगर आप लोग जाके वेंडर से परचेस करते हैं तो वो कितने में पड़ेगा, इसका यूटिलिटी कैसी है, इसका बेसिक यूज क्या है, तो वही इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये प्यारे से यूनिक डिज़ाइन का मेटालिक मैग्नेटिक फैन मिल जाता है। इसके साथ बॉक्स में हमें दो ये क्लैंप्स मिल जाते हैं, एक टाइप सी केबल और ये फैन क्लीनिंग ब्रश, और उसके अलावा जो है यूज़र मैनुअल वगैरह मिल जाता है। अच्छा, अगर फैन की बात कर ली जाए तो इसको खोलना बहुत ईजी है। एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करेंगे और ये खुल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों के पास आईफोन वगैरह नहीं है और ये क्लैंप आप लोगों को लगाने हैं तो उसको लगाना भी बहुत सिंपल है। कवर खोलने के बाद एक साइड से ऐसे डाल देंगे इस क्लैंप को, और दूसरी साइड से इस क्लैंप को ऐसे हमने बस अंदर फिक्स कर दिया। उसके बाद आप लोग इसका कवर दोबारा से बंद कर देंगे। ये देखें, बंद हो गया, मेमो की ब्रांडिंग आ गई। तो इस तरह ये आपका क्लैंप जो है बआसानी के साथ फिट हो जाएगा। अगर आप लोग ये क्लैंप यूज़ नहीं करना चाहते तो किसी भी सेलफोन के पीछे ये जो मेटालिक स्टिकर दिया हुआ है इसको आप लोग अपने सेलफोन पे पेस्ट करेंगे और आप लोग इस तरह इसके साथ स्टिक कर सकते हैं अपने इस फैन को। चार्जिंग के लिए हमें टाइप सी मिल जाती है जो कि चार्जिंग सॉकेट है इस साइड पे। ये वाली जो चार्जिंग इसकी केबल है ये आराम से इसके अंदर से जा सकती है, तो इसको आप लोग प्लग करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ब्रश दिया हुआ है इसको खोल के आप लोग इसका फैन साफ कर सकते हैं। अभी प्लग इन करेंगे, ये देखें एकदम इसकी 8GB लाइट ऑन हो गई है, फैन ऑन हो गया है, और ये पीछे इसकी कूलिंग भी स्टार्ट हो गई है। आप लोगों ने गेमिंग फुटेज चेक कर लिए, COD मैंने थोड़ी देर के लिए अपने सेलफोन पे खेली थी मेमो का ये एयर कूलर लगा के, किसी भी किस्म का वीडियो में गेम में लैग नहीं आया। और इसकी जो पावर है वो 15 वॉट है, और कंपनी क्लेम करती है कि एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये अपनी जो बैक पे जिसकी प्लेट दी हुई है मैग्नेटिक उस पर आइस फॉर्म करता है। वाकई में ये टेस्ट किया है मैंने भी, और इसमें किसी भी किस्म का शक नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब बात कर ली जाए इस आइस मशीन की प्राइस में। देखिए, अगर आप लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, डिफरेंट मैंने वेबसाइट पर भी वगैरह रिव्यूज वगैरह देखे थे, प्राइसेस चेक की थी, तो 3500, 3200, 2800 विद डिलीवरी या विदाउट डिलीवरी भी आप लोगों को कॉस्ट कर सकते हैं। तो मैंने बाजारी जाके मार्केट वगैरह सर्वे किया, सदर में जो मोबाइल मार्केट है उसके साथ ही कोहिनूर मार्केट है, उधर से मुझे ये बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट डब्बा पैक जो है 1900 PKR करेंसी में ये पड़ गया। इसकी प्राइस वगैरह अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्ट और ये इकोनॉमिक सिचुएशन पे ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन 1900 का मुझे ये पड़े। तो अगर आप लोग ऑनलाइन भी ये बाय करना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका मॉडल वगैरह मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, गो गाइस चेक इट आउट। अगर प्रोडक्ट पसंद आई है, वीडियो का कोई सा भी पार्ट अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं ये तो AKG नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए अमेजिंग टॉपिक के साथ या फिर किसी ऐसे ही बढ़िया प्रोडक्ट के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। चेक करते हैं कि पावर बैंक, इसकी पावर सप्लाई ऑफ करके कितने टाइम में जो है ये बर्फ़ इसकी ख़त्म हो जाती है। अभी मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, ये देखें एकदम इसकी आइस जो हुई है मेल्ट हो रही है।